फैसलाबाद की एक बाहिम्मत लड़की जो पढ़ाई के साथ साथ चाय का कैफे भी चलाती है। फ्यूचर प्लान है CSS। मुस्तकबिल में CSS करने का ख्वाब, लेकिन घर वालों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? इस्लाम में भी देखा जाए औरतों ने जिहाद तक किया हुआ है। जानिए इसकी कहानी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसलाबाद टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेजबान सुभान अहमद। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फैसलाबाद की एक ऐसी बहादुर लड़की के साथ जिसने इस महंगाई के दौर में अपने वालदैन का सहारा बनने के लिए एक छोटा सा चाय का कारोबार शुरू किया। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनको ये ख्याल कैसे आया और ये कैफे कहाँ पर वाक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अक्सा। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपको काम करते हुए कितनी देर होगी? मुझे 6 से 7 मंथ हो चुके हैं, 7 मंथ है। आपको इस काम का आइडिया कैसे है? कैसे आइडिया आया, क्योंकि शुरू से सोचा था कोई ना कोई अपना बिजनेस हो, अपना कोई काम हो, बेशक वो एक छोटी ही, मतलब उसको एक छोटे लेवल से लेके बहुत आगे तक लेके जाऊं। तो मेरे पास उस टाइम एक ये था, मतलब कम इन्वेस्टमेंट में, मतलब जिसे मैं रख सकती थी और कर सकती थी, मुझे था कि नहीं। लेकिन मुश्किलात तो बहुत आई, लेकिन मैंने फिर ये इसका स्टेप लिया। घर वालों की तरफ से कैसी सपोर्ट है इस बिज़नेस के हवाले से? घर वाले तो खिलाफ थे इस चीज़ के, कह रहे थे जॉब, सारी जॉब नहीं करते, जॉब करें। मैं जॉब करने के लिए नहीं पैदा हुई, खुद का काम करूँगी करूँगी। आपके कितने बहन भाई हैं? 4 बहनें, एक भाई भी है। अच्छा, फीमेल होने के नाते आपको इस काम में क्या क्या मुश्किलात का सामना करना? बहुत सारी मुश्किलात, जाहिर बात है फीमेल जब एक घर से बाहर निकले तो उसके लिए मुश्किलात तो बहुत होती हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ पर नेगेटिव हो, अगर एक पॉजिटिव है तो 3-4 नेगेटिव ही हैं। तो ये इग्नोर करना सीखें ज़िंदगी में, दूसरों को आप तवज्जो नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे तो ऑलमोस्ट सब, मतलब लोग आपकी तरफ खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। और अपने अंदर एक ऐसा स्टैमिना, एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए कि आप बात करो तो ऐसे लगे कि कोई बात कर रहा है, अगले की जरूरत ही ना पड़े वो आपसे कोई गैर मुनासिब बात करे। अच्छा, आपकी जो पॉइंट है ये मेन शाहरा के ऊपर है, कमेटी वाले तो नहीं तंग करते सर? हाँ, धमकी वगैरह ये होती है कि मेरे साथ काउंटर लगवा रहे थे कि नहीं यहाँ पर एक और काउंटर लगना चाहिए, ये है वो। मेरा काम अब काफ़ी माशाल्लाह रन आउट हो चुका था, लेकिन यही पाकिस्तान का मसला है, यहाँ पर कोई ज़रा ऊपर जाने ही लगे तो साथ ही कहते हैं क्यों जा रहा है, इन्हें फाड़ लो पहले, थले लेके आओ। आवाम का क्या रिस्पॉन्स है इस काम के बारे में? आवाम माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, चाय सबसे ज़्यादा। मतलब टाइमिंग क्या है आपकी इस पॉइंट? टाइमिंग 5 से, अभी जो टाइमिंग चल रही है 5 से 2 बजे हैं, वैसे सर्दियों में 3 से, इंशाल्लाह 3-2 बजे ओपन हो जाता है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन जो है वो पैराडाइज, ओपोजिट पैराडाइज या KFC टेक्निकल मस्जिद, मतलब बिल्कुल मुझे ये तीनों ही ऑपोजिट ही लग रही है। अच्छा, चाय के अलावा क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद हैं? चाय के अलावा लेमन सोडा वगैरह है, और मिंट मार्गरेटा था वो, अब आपको पता है जैसे मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है उनका थोड़ा सीजन कम हो जाता है, अभी सबसे ज़्यादा चाय है। साथ में इंशाल्लाह फास्ट फूड का स्टेप लिया है, क्या फास्ट फूड रन करेंगे, फास्ट फूड में बर्गर, शवारमा, जिंगर। आपकी चाय में क्या खासियत है? ये तो आम को बताओ, बहुत ज़्यादा खासियत है। मजीद फ्यूचर प्लान्स क्या आपके? स्टडी को लेके हैं, फ्यूचर प्लान है CSS। स्टडी यानी आप साथ कर रही हैं? जी जी, मैं ICS की स्टूडेंट हूँ। आपने बताया था कि आप फ्यूचर में CSS में यानी टॉप करना चाहती, तो ये क्या आपका प्लान बी था? ये प्लान ऐसा है, बिजनेस जो होता है ना वो आपको आगे जाने के लिए बिजनेस, क्योंकि CSS वो मैं अपने एक मुल्क के लिए, मतलब कुछ करना चाहती हूँ, कुछ एबिलिटी पैदा करना चाहती हूँ, एक ऐसे ओहदे पे रहकर ना इंसाफी ना बरहक, मतलब कुछ चीज़ों को ना सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ, बहुत आगे जाना चाहती हूँ, तो CSS ही नहीं है। लेकिन बिजनेस है, मतलब पीछे वही होना चाहिए ना, एक ग्रोथ कर जाए बिजनेस, क्योंकि कामयाबी जॉब में नहीं होती, बेशक मैं CSS, बेशक मैं CEO बन जाऊँ, तब भी मैं मतलब वो नहीं कर सकती जो मैं अपने बिजनेस से कमा सकती हूँ। ये तो आपको पता है बिजनेसमैन होता है, और जो जॉब वो तो अपने मुल्क के लिए एक चीज़ है ना, इसमें भी अपने मुल्क का ये है कि एक जिंदा मिसाल बनूँ, लेकिन उसमें है कि कुछ करके जाऊँ। अच्छा, प्राइस क्या क्या है आपके पास मुख्तलिफ चीज़ों? चाय की प्राइस है 100 से 80 से स्टार्ट होती है, 100, 160, मतलब इस तरह है ऑल अबाउट। फिर डिस्पोजिबल हों तो वो फिर 110 की आ जाती है। सोडा, लेमन सोडा है वो 100 का है, इमली आलू खड़े वाला सोडा वो भी 100 का है, मिंट मार्गरेटा 160 का। आप अकेली इस पॉइंट को हैंडल करती हैं या कोई साथ को टीम वगैरह रखी है? अभी लड़कों वगैरह की टीम है, इंशाल्लाह बना रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता कि मेरे साथ एक प्रॉपर टीम हो, हम प्रॉपर टीम वर्क ही करें इंशाल्लाह, पर अभी तो मेरे अंडर लड़के ही, मतलब 2-3 लड़के ही हैं जो मैंने काम के लिए रखे हुए हैं। जो देखने वाली खवातीन, इनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम उनको मैं यही देना चाहती हूँ कि आप ना, मतलब वो जिस डर से, मुआशरे के डर से, लोगों के डर से बाहर निकलना एक हक सच के लिए, मेहनत के लिए, ठीक है, तो अपने अंदर इस चीज़ की एबिलिटी पैदा करें कि आप एक मर्द की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, ठीक है। आपको मतलब मर्द कुछ भी नहीं है, जिसको हमने हवा बना लिया हुआ ना, ये एक्चुअली हमारा ही उसे क्रिएट किया हुआ अपने सर पे, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आप बाहर निकलें तो पूरा कॉन्फिडेंस, मतलब एक शेरनी की बच्ची होनी चाहिए ना, जब बाहर निकलें तो पता हो हम एक मुस्लिम घराने से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम है, तो इस्लाम में भी देखा जाए औरतों ने जिहाद तक किया हुआ है, ठीक है, औरतों ने तजारत तक की हुई है, तो मतलब कैसे रोक सकते हैं आजकल के लोग, मतलब मुझे लेकर नेगेटिव पॉइंट भी बहुत देते हैं, कहते हैं नहीं यार ये दूसरे काम नहीं हो सकते, वो है अगर, तो मैं ये कहना चाहती हूँ जो लड़कियाँ टिकटॉक घर में बैठ के बनाती हैं वो राइट है, अच्छा बाहर जो बाहर मेहनत को तरजीह देती हैं, जो अपने इस्लाम के रिलेटिव से चलना चाहती हैं
कि एक जिंदा मिसाल बने, ताकि मतलब लोग ये ना कहेंगे यार ये कौन, अब जो टिकटॉकर उनको लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो मेहनत को कर रहे होते हैं उनको कह रहे होते हैं यार मिडिल क्लास व्हाट इज, मतलब ये तो अब लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है ना। तो मतलब उन औरतों को कहती हूँ कि खुदारा अब दूसरे गलत हर मतलब इस तरह के कामों से बेहतर है कि आप मेहनत की तरफ रुजू करें और लोगों को मतलब लोगों की टेंशन लेना छोड़ दें, क्योंकि आपने जवाब अपने अल्लाह को देना है, आप राइट पे हैं, आपने हक हलाल का कमाना है, और आपको पता है आपका इस्लाम कहाँ तक आपको इजाज़त देता है, आप इस दायरे इस्लाम में रहकर बहुत कुछ कर सकती हैं। अच्छा, इस कैफ़े का जो सारा सामान वगैरह है वो कौन खरीदता है? मैं खुद ही परचेज़ करती हूँ ज़्यादा मार्केट से, मैं खुद जाके एक दफ़ा वन वीक का मतलब मैं ले आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? अलियान ताहिर। अलियान, कैसी लगी आपको ये चाय? ये मुझे बहुत मज़ा आया। कहाँ से चाय पीने के लिए? मैं मीन टाउन से स्पेशल केनार रोड पे। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम, कैसी लगी आपको इनकी चाय? बहुत ज़बरदस्त है। कब से चाय पीने आ रहे? मैं रहा ये तीसरा एक्सपीरियंस है जाएगा, और माशाल्लाह अच्छी जाएगा। अच्छा, ये एक नौजवान लड़की है और ये लड़की होकर मेहनत का काम कर रही है, इस वाले साहब क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, और मेहनत करनी चाहिए इंसान को आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, कैसी लगी आपको इनकी चाय? चाय इनकी काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। कहाँ से आप चाय पीने आ रहे? हम इधर से आरिस मुंदरी रोड से। नाज़रीन, अगर आप लोग भी शहर फैसलाबाद की मज़े की चाय पीना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई मुनफरिद स्टोरी है तो हमारे चैनल के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमाती और मुनफरिद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैसलाबाद टीवी का ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।